दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहीं पे हमने लास्ट ब्लॉग की एंडिंग की थी और इसी से हम शुरुआत भी करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि सांबर बना रही थी, तो ऑलमोस्ट सांबर बन चुका है और आज हम सांबर राइस खाने वाले हैं। लेकिन जब भी सांबर बनता है ना, मेरा तो बस मन करता है इडली खाने का, बट आज सूजी की इडली भी नहीं बना सकती क्योंकि दही भी खत्म हो गई है। नहीं जा सकते, जाने का मन नहीं। अब इंडिया तो है नहीं, ओ नीचे वाले दुकान से जरा दही ले आना। ये बेस्ट पार्ट होता है, कढ़ाई चढ़ी हुई है और नीचे जाते हैं आलू लाने। मस्त यहाँ पे ना विंडो साइड पे बैठ के टाइम पास हो जाता है। ये स्लेड करने जा रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठ के मस्त लगता है बाहर देखने में। अभी तो रुक गई है स्नोफॉल, अब वार्निंग खत्म हुई है। बट देखो हमारा ड्राइवे सब के ड्राइव से साफ। ओहो, सी हमारा ड्राइवे, इट्स ऑल क्लीन। यहाँ पे फ्रूट टाइम चल रहा है, स्ट्रॉबेरी और पोमेग्रेनेट अनार। White one. चलो बैठ के खाओ केयूष, बैठ के। केयूष बैठ के, ये क्या जूस है? देखो ये लॉलीपॉप लग रहा है, स्ट्रॉबेरी जूसी है ना बहुत। और करेले में मैंने नमक लगा के ना कल रात को रख दिया था, तो इसकी सिंपल सी भुजिया बना लेती हूँ। बाहर देखने में कितना अच्छा लगता है ना, देखने में ही अच्छा लगता है। साफ करने में तो हाँ कमर की वाट लग जाती है। अच्छी एक्सरसाइज वर्कआउट होगी ना। और वो फ्रेम्स मैंने टेढ़े नहीं लगाए हैं, वो मैं जस्ट ऐसे ही लगा के देख रही थी कि कहाँ टेढ़े हैं, वो टेढ़े लगाए हैं पता है मुझे, बट वो मैं जस्ट देख रही थी लगा के कि कौन सा फ्रेम कहाँ लगाना है। कल आए शाम को बोलती है ये टेढ़ा लगा, मैंने कहा लगाया ही नहीं, सैंपल है ये तो, बस मैं जस्ट चेक कर रही थी, तो अभी क्यों मेहनत करूं मैं उतना लेवलिंग करने तो में। उतार लेते, टेढ़ा है तो है, बस मतलब मौका चाहिए। तो मौका दिया किसने? मौका दिया किसने? मुझे क्यों नहीं मिलते ऐसे मौके, बड़े आए जाओ। या तो हम करते ही नहीं है, या हम करते हैं तो परफेक्ट है। बड़े आए, ये देखो स्नो हाउस। सुबह मैंने यहाँ से देख रही थी, बिल्कुल परफेक्ट था। ये स्नो के वेट से ये टूट गया है शायद। ये पूरा देख रहे हो, मिडल से नीचे हो गया है। ये रास्ता बनाया जा रहा है कि वहां तक हम पहुंच चुके। ये ग्रीन हाउस को यूज भी नहीं किया या उससे पहले ही टूट गया बेचारा। ये बन गया स्नो का रास्ता। ये लाइट के ऊपर कैसे स्नोबॉल्स जम गए, आइसक्रीम कोन लग रहा है। अरे ओए देखना, सर पे ना गिर जाए। छोड़ दो, हो जाएगा, वो लेके आना पड़ेगा। अच्छा, इस तरह के पाइप से बनाया था इन लोगों ने, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा पाइप? पीवीसी पाइप। ये वाला जो ग्रीन हाउस है ये ज्यादा अच्छे से बना हुआ है क्या, या सेम ही है? ये ग्लास का है और एल्युमिनियम फ्रेम है। Why should boys have all the fun? लो मजे। हाँ बेटा, कैसे स्नो गिरेगा, ये गया ऊपर। समर्स में घास काटते टाइम वर्कआउट हो जाता है और विंटर्स में स्नो क्लीन करते हैं। ये एक फालतू का काम पड़ गया ना। हाँ। अब तो समर्स में ही ठीक करना है, इसको अभी करके फायदा है नहीं। ऑफिस का टाइम डन हो गया है और मुझे ना वॉलमार्ट जाना था, बताया था ना आप लोगों को कि प्रिंट्स लेने, तो मेरे डिजाइन्स तो रेडी हैं, बस प्रिंट लेना है। और यशा केयूष के फ्रेंड्स के लिए, जो नेबरहुड फ्रेंड्स है ना वहाँ, बच्चों के लिए, उनके लिए भी गिफ्ट्स लेना है, क्रिसमस गिफ्ट्स लेना है। देखते देखते क्रिसमस आ गया। और बेकिंग का भी कुछ सामान लेना है। एक्चुअली लग रहा है कि जमाना हो गया बेकिंग। हाँ, तो अब क्रिसमस वेकेशन पे एक बारी बेकिंग करना तो बनता है। एक बार, दो बार, तीन बार, देखते हैं कितनी बार। तो अभी जल्दी से वॉलमार्ट जाएंगे, जल्दी से काम खत्म करेंगे और आ जाएंगे। ये देखो एकदम परफेक्शन से मेजरमेंट हो रही है कि थोड़ा भी इंच इधर उधर नहीं होना चाहिए। कहाँ कहाँ से ये औजार भी लेके आते हैं। और ठंड का फायदा उठाते हुए आज मैंने ये रेड वाला जैकेट निकाल लिया कि चलो इसको भी पहन लिया जाए। मैचिंग डेंजर।
आज सस्ते है ही डेंजर है, सबको हम बता रहे हैं भाई। आज ड्राइविंग करना है थोड़ा सा डेंजरस है। अभी अभी हम निकले हैं क्योंकि उन्होंने ना अभी रोड क्लीन किया है, हमें दिखा विंडो से कि चलो अभी अभी क्लीन हुआ है और थोड़ा लाइट भी है, नहीं तो फिर अंधेरा भी हो जाता है तो समझ नहीं आता कहाँ जा रहे हैं। Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time. लेने गए थे क्रिसमस गिफ्ट और देखो क्या लेके आए हैं, समोसे। अब समोसा आया है तो चाय तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो समोसा बुरा मान जाएगा। चटोरे चटोरे चाय बनने तक सबर नहीं। देखो मुश्किल से मैंने आधा खाया और एक बचाया, कहाँ गया एक? ये देखो दोस्तों, एक मात्र समोसा बोल रहा है आओ मुझे खाओ। रखो तो कोई ना कोई खा ही जाएगा, छुपा के रखो उसको। नहीं ये इसका मिलन तो चाय के साथ मैं करा के ही रहूंगी। दो दिन इतनी ज़्यादा स्नो थी और ठंड पड़ी हुई थी और आज देखो कितनी अच्छी धूप निकली है, काफ़ी स्नो मेल्ट हो जाएंगे और देखो कितना शाइन कर रहा है, अगर आप लोगों को पता चल रहा हो। बहुत अच्छा लगता है जब स्नो पे धूप पड़ती है ना, और प्लांट्स को भी बहुत टाइम से धूप नहीं मिली थी तो आज सबको पानी दे के ये विंडो के सामने रख दिया है, थोड़ी देर के लिए इनकी धूप पट्टी हो जाएगी। इतनी मज़ेदार धूप देख के ही ना बस मज़ा ही आ जाता है, दिन बन जाता है। आज ना क्या हुआ, मेरे जो बॉस है ना वो टोरंटो साइड गए हुए हैं तो उधर टाइमिंग आगे होती है ना, ओंटारियो साइड वो आगे हैं हमसे लाइक 3-4 घंटे आगे है शायद। तो मॉर्निंग में 6:00 उनका ईमेल आया तो वो अपने टाइम से कर रहे थे तो मैं उसी ईमेल पे मेरी आँख खुली तो फिर मैंने देखा कि काफ़ी सारा काम है तो मैं सोचा उठ जाती हूँ और अर्ली स्टार्ट कर देती हूँ। मेन तो है कि काम ख़त्म होना चाहिए और वर्क फ्रॉम होम का यही अच्छी बात है कि आप कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकते हो, एंड ऑफ द डे बस काम फिनिश चाहिए। तो मैंने अर्ली काम स्टार्ट कर लिया कि घर भी बिल्कुल शांत था तो मैंने 7:00 से स्टार्ट कर दिया फटाफट जल्दी जल्दी। अनुज भी फिर ऑफिस चले गए थे, फिर बच्चे भी उठे आराम से 8:30 तो मेरा काफ़ी सारा काम निपट गया था। अभी 12:30 हुआ तो थोड़ा ब्रेक लिया है, राइस मैंने मॉर्निंग में ही बना दिया था और केयूष को कॉर्न राइस खाना है तो सांभर तो है, येशा को सांभर राइस ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई भी दाल चावल उसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम सांभर राइस खा लेंगे, केयूष कॉर्न राइस खा लेगा तो हमारा लंच डन हो जाएगा। कॉर्न राइस अभी अभी नहा के आया है, बाल भिंगो के जा धूप में बैठ जा, धूप खा ले थोड़ा सा। और यहाँ पे काफी सारे गार्बेज हैं तो मैं सोच रही हूँ कि वेदर तो अच्छा है मैं ही जाके रख आती हूँ। और ये प्लेडो का टार, मैं मॉर्निंग में कबर्ड खोल रही थी, मैंने टच किया ना इसको, मुझे फील हुआ कि इसको सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑयल ऑयल फील हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, स्पेशली गैस के सामने वाला जो कबर्ड होता है ना वो ज़्यादा ऑयली होता है, देख के नहीं पता चलता बट जब टच करेंगे ना तब पता चलता है। और ये वाला जो मटेरियल है ना कैबिनेट्स का बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस पर ना कुछ भी चिपकता नहीं है, जैसे हल्दी मिर्ची कुछ भी नहीं चिपकेगा, बड़े आराम से क्लीन हो जाता है। जब व्हाइट किचन देखा था ना तो यही डर लगता था कि अरे अगर हल्दी लग गई तो फिर वो और व्हाइट कलर लाने में बड़ी मुश्किल होती है, बट ये अच्छा है, पता नहीं कौन सी क्वालिटी है क्या बोलते हैं इस टेक्सचर को, बट मज़ेदार है, सफाई करने में इजी रहता है बट हाँ ऑयली ऑयली है उसको साफ करना। कल रात को मैं और अनुज मंदिर पेंट कर रहे थे, तब मज़ा आ रहा था पता है, सारे भजन लगा दिए थे, बच्चे सो गए थे, बड़ा अच्छा एकदम काम सा पीसफुल टाइम लग रहा था। तो एक और कोट कर दिया है अनुज ने, कुछ शाइनी वाला मटेरियल भी लगाया है, हाँ ये शाइन के लिए लगाते हैं ना, एक कोट और लगेगा जो ये शाइन वाला है बट ऑलरेडी इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि बहुत बड़ा बना है, आई अग्री बड़ा बना है बट चलो कोई बात नहीं,
जो है अच्छा है, घर पे खुद से अपने हाथों से अनुज ने बनाया, हमने मिलकर पेंट किया। मतलब ये जो पूरी जर्नी है ना मंदिर बनाने की, ये बहुत यादगार है। आप लोगों के लिए भी यादगार है, और आप लोगों ने भी तो कितने सारे लोगों ने पिक्चर शेयर किए, अपने घर का मंदिर शेयर किया, बहुत अच्छा। और अनुज ने जो प्रॉपर एक यूट्यूब वीडियो फॉलो किया था, एक दो यूट्यूब वीडियो फॉलो किया था, तो जिस दिन भी मैं फिनिश हो जाएगा ना उसका लिंक जरूर डाल दूंगी कि इनकेस आप लोग बनाना चाहते हो तो काफी हेल्प हो जाएगी। लास्ट व्लॉग में बताया था कास्ट आयरन तवा के बारे में, तो अगेन बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि इसको क्लीन कैसे रहे। वैसे तो बहुत बारी बता चुकी हूँ, बट चलो फिर से बनाती हूँ। मॉर्निंग में मैंने उत्तपम बनाया था, तो जब भी मैं ऑयली कुछ बनाती हूँ तो रात को एक बारी क्लीन जरूर करती हूँ, बट अगर सिर्फ रोटी बनी है किसी दिन फिर मैं क्लीन नहीं करती हूँ, बस कपड़े से उसको क्लीन करके ऐसे ही ड्राई क्लीन करके और रख देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गरम तवा को कभी भी नहीं धोना होता है, तवा को बिल्कुल ठंडा कर लेना तभी इसमें पानी डालना। अगर गरम तवा पे पानी गया तो हो सकता है कि क्रैक हो जाए। और सोप मैं यूज़ करती हूँ, कोई भी जेंटल सोप यूज़ कर लो, और ये वाले जो स्पंज होते हैं ना वो यूज़ कर लो। और जब भी आप ऑयल का कुछ बनाओगे ना इसके कॉर्नर में तेल जमा हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना जब भी ऑयल का कुछ बनाओ फटाफट से उसको धो लो सेम डे ही, और 10 डेज में या 15 डेज में रात को अच्छे से क्लीन करके उसको ड्राई करके और ऑयल लगा के रात भर के लिए छोड़ दो। या फिर जैसे गैस गर्म होता है ना, थोड़ी देर गर्म गैस पे रख दो, अच्छी सी सीजनिंग हो जाती है और इसकी जो कोटिंग होती है ना वो बनी रहती है। I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble believing right now, आप लोग हमेशा पूछते हो कि कुकटॉप को क्लीन करने के लिए मैं कौन सा स्प्रे यूज करती हूँ, तो मैं कोई भी केमिकल स्प्रे यूज नहीं करती हूँ। मैं घर पे इस वाले स्प्रे बॉटल में आधा पानी आधा विनेगर थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप डाल के मिक्स करके और यही वाला यूज करती हूँ। आप चाहो तो इसमें एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हो कि अच्छी वाली खुशबू आएगी। कुकटॉप हो, कैबिनेट्स हो, काउंटर टॉप हो, सब कुछ मैं इसी से क्लीन करती हूँ। और यकीन मानो मैंने बाहर के केमिकल्स वाले भी यूज किए, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है भी। घर में शिफ्ट होने से पहले ना हमने एक पूरा सेट लिया था इस तरह का। इससे भी पता है वही लेमन की खुशबू आती है, और जब पता है कि कोई क्लीनिंग में डिफरेंस है नहीं तो क्यों केमिकल वाला यूज करना ना, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट होता है। इनफैक्ट वॉशरूम भी मैं इसी से क्लीन कर लेती हूँ, जो ग्लास के लिए मिरर के लिए वो ग्लास क्लीनर आता है ना वो यूज करती हूँ। इनफैक्ट ऑल अराउंड द हाउस मैं यही वाला क्लीनर यूज करती हूँ, और हमारे घर में इसका एक नाम भी है, मैजिक क्लीनर। इनफैक्ट बच्चों को भी पता है, ईशा को भी पता है, उसको जब अपने रूम का डेस्क क्लीन करना होता है तो मुझसे यही पूछती हूँ कि आपका मैजिक क्लीनर कहाँ है। अनुज ने भी नाम दे रखा है मैजिक क्लीनर, एक्चुअली में ये मैजिक क्लीनर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ गुड गुड मेमोरीज। धूप आती है तो घर कितना अच्छा लगता है ना, वैसे ठंडा ठंडा कूल कूल भी अच्छा लगता है। शाम को सिर्फ लाइट जला के रखो चारों तरफ, वो अलग ही एम्बियंस होता है, बट धूप वाली एम्बियंस का तो कोई कंपैरिजन नहीं। चलो बाय बाय, धूप के साथ बाय बाय। जादू बन गई हूँ मैं, धूप। I fell in love with your colors, they kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it.